हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं अरविंद, आपका स्वागत है नोवेल गुरु चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो है यूट्यूब वीडियो पे अट्रैक्टिव थंबनेल हम कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर में एप्लीकेशन ओपन करके वहां पे आपको टाइप करना है थंबनेल मेकर। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो आपके पास में काफ़ी एप्लीकेशंस वहाँ पे शो होगी, तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना है अल्टीमेट थंबनेल मेकर। यहाँ पे मेरे ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओपन, तो आप अपने मोबाइल पे इसको इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद में अगर जैसे ही हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हाईलाइट हो रहे हैं, जिसमें क्रिएट और माई सेव माई एडिट्स जो ऑलरेडी मैंने बना चुका, तो अगर मैं माई एडिट्स में जाऊंगा तो मेरे जो बनाए हुए थंबनेल है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो मैंने अपने वीडियोज़ में बनाए हैं वो वहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरे जो लाइब्रेरी है। अब अपन जाएंगे क्रिएट थंबनेल पे, जो जैसे ही यहाँ पे ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है उस पर जाएंगे तो यहाँ पे डायमेंशन पूछेगा हमें किस रेशो में हमें लेना है। वैसे हम जो स्टैंडर्ड रेशो लेते हैं वो 16:9 का हम लेते हैं। इसके अलावा अगर आप साइजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे और भी एप्लीकेशंस के लिए, जैसे सोशल मीडिया में हम कोई भी शेयरिंग कर रहे हैं, इंस्टा के लिए, यूट्यूब के लिए, तो वो यहाँ पे डायमेंशन आपको दे रखा होता है ट्विटर के लिए, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। लेकिन जो हम स्टैंडर्ड जो लेते हैं वो 16:9 का हम रेशो लेते हैं, जो सभी के लिए सही रहता है। उसके बाद में हम यहाँ पे आएंगे तो बैकग्राउंड्स यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, टेक्नोलॉजीज़, वॉल, ब्लर, ट्रेबल और बैकग्राउंड इमेजेस, ट्रेबल। उसके अलावा आपको नेचर से रिलेटेड दे रखा है, तो जो भी आपको लेना है, जो आपको अच्छा लगता है, वो आप यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। जो यहाँ पे हम अगर बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहे हैं वो नेचर से रिलेटेड हम कर रहे हैं। जैसे ही हमने किसी भी बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया, सपोज करो चलो ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये बैकग्राउंड हमारे यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें इस बैकग्राउंड की साइज लेनी है, कम ज़्यादा यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है, जैसा आपको सही लगे वैसा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लाइब्रेरी में हम कोई भी इमेज अपनी सेलेक्ट करके यहाँ पे डालेंगे, जो इमेज हमें चाहिए, जो हम थंबनेल में लेना चाहते हैं, 1, 2, 3, 4 जितनी इमेजेस आपको चाहिए। मैंने यहाँ पे इमेज ले रहा हूँ, मैंने टोटल 3 इमेज यहाँ पे ले ली। तो यहाँ पे इनकी इमेज की साइज को इक्वल जैसा भी आपको सेट करना अच्छा लगे वैसा आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और जो भी आपको इफेक्ट्स यहाँ पे देने हैं वो इफेक्ट्स यहाँ पे आप सेलेक्ट करके उसकी ओपेसिटी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा आपको टेक्स्ट ऑप्शन में जाके आपको टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करना है, जो भी टेक्स्ट आपको यहाँ पे चाहिए, वो चाहे से इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, या आपकी कोई लोकल लैंग्वेज में हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो सब इसको टेक्स्ट को जैसे ही हम ओपन मतलब यहाँ पे टाइप करेंगे और इसको ऐड यहाँ पे ऑप्शंस पे हम क्लिक कर देंगे, तो आप उसके अंदर आपकी तो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे रिसाइज करना है इसको, आपको रिसेट सेट करना है कि आपको ये टेक्स्ट कहाँ पे चाहिए। तो हम इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे क्योंकि ये टेक्स्ट हमें ऊपर चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हम आ गए, उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे, इसका बैकग्राउंड और सब कुछ यहाँ पे लेके टेक्स्ट यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ के एडिटिंग टूल्स हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे ही हाईलाइट होंगे तो हम इसको यहाँ पे सेट कर देंगे, इसके फॉन्ट्स, इसके ओपेसिटी, इसकी बैकग्राउंड और इसका कलर, टेक्स्ट का कलर, ये सब यहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टूल्स हैं और यहाँ पे आउटलाइन, शेडो और बैकग्राउंड कलर आपका कौन सा चाहिए। इसके अलावा जैसे आपको कोई दूसरा टेक्स्ट ऐड करना है नीचे की साइड में, तो आप यहाँ पे हिंदी में अगर मुझे टाइप करना है तो मैं हिंदी में यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट टाइप कर दूंगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसका अभी नेचुरल ब्यूटी के रिलेटेड थंबनेल बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अद्भुत सौंदर्य है ये प्रकृति का, ये टेक्स्ट अगर मैंने टाइप किया यहाँ पे, तो अब ये दूसरा टेक्स्ट मेरे लिए हो गया। इसको मैं ऐड यहाँ पे कर दूंगा, जैसे ही ऐड करूंगा तो ये यहाँ पे वापस हमारे थंबनेल में ये टेक्स्ट आ जाएगा। और इसको आने के बाद हम चाहेंगे कि इसको हम नीचे की तरफ इसको सेट कर दें, और जैसे कलर कोडिंग जो हमारा है, जैसे यहाँ पे अब ये आ गया, हम इसको नीचे ड्रैग करके लेके जाएंगे और उसको यहाँ पे जितनी स्पेसिंग है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर देंगे। और मुझे यहाँ पे चाहिए कि मैं इसका कलर कोडिंग या उसका बैकग्राउंड कलर और इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो उसको कम या ज़्यादा करूँ,
तो मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टूल्स हाईलाइट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं कर लूँगा, और मैं फॉन्ट्स भी अलग यहाँ पे देख सकता हूँ। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट में। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, सारे इमेजेस को सबको सेट करके और मेरा ये थंबनेल तैयार कर लूँगा। दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग टेक्स्ट, इमेजेस कम ज़्यादा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस होती है। ड्रैग करके आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन आपके पास में हाईलाइट हो रहा है इस इमेज पर, जो लेफ्ट टॉप है वहाँ पे। तो दोस्तों ये ऑप्शंस है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट करने के बाद में आपका थंबनेल बिल्कुल तैयार हो जाएगा और आप अपने वीडियो भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब आप इस थंबनेल को सेव करेंगे, जो राइट में ऑप्शंस हाईलाइट हो रहा है उसको डाउनलोड का ऑप्शन है, इससे आपका थंबनेल बिल्कुल आपकी जो गैलरी है, लाइब्रेरी है, वहाँ पे आपकी सेव हो जाएगी और आप इसको यूज़ कर पाएंगे अपने जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड चैनल। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।